वेलकम बैक। स्लाइड बनाने के लिए आप स्लाइड शो मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इंस्टॉल कर ले उसे, उसके बाद ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ नीचे प्लस आइकॉन होगा, ये प्लस आइकॉन में क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपना पिक्चर यहाँ से ले सकते हैं, लेकर टिक लगाए। ये देखिए आपका पिक्चर आ चुका है, ठीक है। तो आपको नॉर्मली यहाँ से आप स्लाइड मतलब जो भी डिज़ाइन देना चाहते थीम का आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल है, ये भी दे सकते हैं आप, और भी यहाँ बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए बहुत सारा है, और आप चाहे तो कस्टम एक एक ठोकर के मतलब जिस पिक्चर में इच्छा जैसे आप दे सकते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ बहुत सारा है, आपको जैसा इच्छा आप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ ये दिया, टिक लगाए। इसके बाद इसमें देता हूँ ये, टिक लगाए। इसके बाद इसमें ये देता हूँ। तो इस तरह से आप अपना कस्टम डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा तो ये गया, आप यहाँ से अपना कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, या तो यहाँ या सर्वर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं म्यूज़िक में जाकर म्यूज़िक ले सकते हैं। ये रहा फ्रेम, तो आप यहाँ पे बहुत सारा ये सब थीम है, ये सब ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए बर्थडे का थीम लगा सकते हैं, बाद ये देखिए आपका टाइमिंग। नॉर्मली तो यहाँ एक वीडियो को एक पिक्चर को ऊपर 3 सेकंड शो कर रहा है, तो आप इसे नॉर्मली एवरेज स्लाइड दिखा रहा 3 सेकंड, आप इसे कमा सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ से मतलब टोटल वीडियो का टाइमिंग कितना होगा आप कमा सकते हैं। ये गया, इसके बाद ये देखिए आपको और भी पिक लगा, तो अब यहाँ ये जस्ट प्लस आइकॉन में क्लिक करके और भी कुछ पिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां से मतलब फ्रेम का साइज़ कैसा रखना चाहते हैं आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये गया, ये गया कुछ सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपका एनिमेटेड इमेज का एनिमेशन ऑन है, साउंड इफेक्ट भी ऑन है, ठीक है, ये सब नहीं लगेगा। तो हो गया, आप जस्ट इस तरह से बना के आप यहां से नॉर्मली ये टॉप में जाके यहां से आप सेव गैलरी करके सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।